आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको आचार्य चाणक्य की दो नीतियाँ बताने जा रहे हैं। एक जो नीति है वो ये है कि किन चीज़ों को वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाली चीज़ क्या होती है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि वाणी से क्या प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि किसी कार्य के संबंध में कोई योजना बनाई गई हो, किसी कार्य के संबंध में कोई योजना बनाई गई हो तो उसे वाणी में प्रकट नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे कार्य रूप में परिणत करने तक, मतलब जब वो सारे काम एक्टिव नहीं हो जाए तब तक गुप्त मात्र के समान सुरक्षित रखना चाहिए, उसे गुप्त रखना चाहिए। आज के टाइम पे कैसा नुकसानदेह है, सपोज आपने किसी कार्य को किसी के सामने बोला तो हो सकता है आपका आइडिया चुरा ले, आइडिया नहीं भी चुराता है तो हो सकता है आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो जो भी कार्य है उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखना चाहिए जब तक कि एक्टिवेट नहीं हो जाए और जब तक वो पूरा होने के कगार पे नहीं पहुंच जाए। इवन पूरा हो जाए तो आप बताइए। अभी कष्ट देने वाली जो बात है, अनेक अनर्थों की जड़ होने के कारण मूर्खता बहुत कष्ट देने वाली होती है। इसी प्रकार यौवन भी कष्टकर है, परंतु दूसरे व्यक्ति के घर में किसी व्यवस्था के कारण रहना सर्वाधिक कष्टकर कार्य है, क्योंकि दूसरे के घर में आप रहते हैं तो हमेशा अनसेफ रहते हैं, आपके जमीर जो है वो जमीर हर्ट होता है, आप हमेशा उस व्यक्ति के एहसान के तले दबे रहते हो, वो आपसे कोई भी कार्य करवा सकता है क्योंकि आप वहाँ पे एहसान तले दबे हुए हो तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे, आपसे गलत कार्य भी करवा सकता है, आपको नौकर की तरह भी ट्रीट कर सकता है। तो किसी भी घर में रहना, किसी के घर में रहना, किसी के दया का पात्र बनना सर्वाधिक कष्टकर कार्य होता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।